कुछ रूल्स करेंगे वेरी क्विक, ताकि आपको थोड़ा सा आसान रहे आगे की सफर में। कनेक्टिविटीज पे करेंगे, प्लीज अपने जॉन जी अपना ऑडियो ऑफ करेंगे। एजुकेशन प्रमोटर, एजुकेशन प्रमोट कैसे होती है, किस एजुकेशन का स्ट्रॉन्ग कारक अगर देखेंगे, बिगुनदी के बिगुनदी का काम है प्लैनेट का कंजेशन, प्लैनेट की युतिस। बुध प्लस सूर्य स्ट्रॉन्ग एजुकेशन, बुध प्लस जुपिटर, बुध प्लस शुक्र स्ट्रॉन्ग एजुकेशन। एजुकेशन में डिस्टरबेंस, बुध मंगल, बुध केतु, बुध चंद्रमा, बुध राहु, एजुकेशन डिस्टरबेंस। आई रिपीट अगेन, बुध एजुकेशन प्रमोटर या एजुकेशन बेटर स्थिति में, बुध सूर्य, बुध गुरु, बुध शुक्र, और एजुकेशन में डिस्टरबेंस बुध मंगल, बुध केतु, बुध चंद्रमा, बुध राहु। ये इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन होते हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें देखना होगा इन सब चीजों का। अब सूर्य सूर्य बुध नॉर्मली मेडिकल पॉलिटिक्स स्टडी पॉलिटिकल स्टडीज को दर्शाएगा, तो बुध गुरु अकाउंट कॉमर्स स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। तो शुक्र जो है गुरु के शुक्र बुध के साथ सेल्स कॉमर्स एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिसिन जैसी एक्टिविटीज को दर्शाता है। मंगल हमने बोला ब्लॉक एजुकेशन में दिक्कत, अगर यहीं पे टेक्निकल एजुकेशन होगी तो बुध के साथ मंगल अच्छा काम करेगा। टेक्निकल एजुकेशन, जितने बच्चे टेक्निकल में जाते हैं आईटी इंजीनियरिंग वगैरह में, यहाँ पे बुध और मंगल का योगदान बहुत अच्छा काम करता है। जो बच्चे लॉ में काम करते हैं, लॉ जैसी स्टडीज में काम करते हैं, यहाँ पे बुध और गुरु केतु का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, काम करता है। लॉ, मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी, बुध केतु इनमें अच्छा काम करेगा, लेकिन अदरवाइज ये ब्लॉकिंग भी है, अदरवाइज ये डिस्टर्बेंस भी है। इसी प्रकार चंद्रमा, चंद्रमा फूड इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, लिक्विड्स, हॉस्पिटैलिटी, इस पे बुध के साथ चंद्रमा अच्छा कार्य करेगा। राहु एक एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें उलझन हो, जिसमें इल्यूजन हो, फोटोग्राफी, क्योंकि वो इल्यूजन है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो दिखता नहीं है लेकिन बताता है, रिसर्च और केमिकल बेस्ड एक्टिविटीज, टॉक्सिक केमिकल बेस्ड एक्टिविटी। इंपॉर्टेंट क्या होगा इसके अंदर, हम केतु का ये मतलब ये अगर जैसे फॉर एग्जांपल बुध और मंगल, बुध केतु का अगर हमें देखना है तो जो समय होगा वो निर्धारित होगा ट्रांजिट से। केतु मंगल का ट्रांजिट, शनि का ट्रांजिट, इन तीन में से कोई दो, शनि केतु मंगल के ट्रांजिट, इन में से कोई भी दो ट्रांजिट अगर बुध के ऊपर लगेगा ड्यूरिंग द ट्रांजिट, तो ये ट्रांजिट एजुकेशन के अंदर डिस्टरबेंस को रिप्रेजेंट करेगा, एजुकेशन के अंदर डिस्टरबेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, इसी प्रकार अगर बुध जो है कनेक्टेड होता है मंगल केतु या से, तो एजुकेशन के अंदर ब्रेकिंग को रिप्रेजेंट करेगा, और यही बुध जो है गुरु या शुक्र से रिप्रेजेंट कनेक्ट कर जाता है तो एजुकेशन में एक रीस्टार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, कि चलो रुक गई, अटक गई, ब्रेक आ गया, लेट्स स्टार्ट इट अगेन, लेट्स डू इट अगेन, लेट्स कंटिन्यू द एजुकेशन। कई बच्चों के साथ होता है बिकॉज ऑफ डिस्टर्ब, अभी यहाँ पे क्या मंगल केतु यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे अगर टेक्निकल एजुकेशन कर रहे हैं तो चलता रहेगा, अगर नॉन टेक्निकल एजुकेशन था तो उसके अंदर ब्रेक आएगा, उसके अंदर एक गैप आ जाता। फिर उसके बाद बच्चे हायर स्टडीज करते हैं, बच्चे कई बार एम कॉम करते हैं, बाद में करते हैं, या कोई और ऐसी स्टडीज, तो उसमें गुरु और शुक्र रीस्टार्ट की एक्टिविटी भूमि